आज हम बनाने वाले हैं एक बहुत ही फेमस करी जिसका नाम है कश्मीरी दम आलू। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत मिश्रा, वेलकम टू प्रियांत किचन। तो कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे वो हम देख लेते हैं। दम आलू बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 500 ग्राम बेबी पोटैटो लिया है। इसमें हम डालेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक एंड वाटर। इसको अब हम कवर करके 1 विसल आने तक पकने देंगे। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हमें आलू को ओवर कुक नहीं करना है। तो जो यहाँ पे हमारे आलू थे वो बॉयल हो गए हैं। बॉयल करने के बाद इसे मैंने छील लिया है। अब ऐसे हम आलू लेंगे और एक फोक की हेल्प से इसमें प्रिक करेंगे। प्रिक करने से जो मसाले हैं वो आलू के अंदर तक जाएंगे। ऐसे ही मैं सारे आलू में प्रिक कर लूंगा। तो मैंने ये सारे आलू में प्रिक कर लिया है। अब कश्मीरी दम आलू बनाने के लिए हम आलू को थोड़ा फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राइंग पैन लिया है, इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। जो कश्मीरी दम आलू होता है उसमें सरसों का तेल ही डलता है। अगर आप चाहें तो रेगुलर ऑयल यूज कर सकते हैं। अब इसमें मैं डालूंगा चुटकी भर हल्दी एंड 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। आप देख सकते हैं कश्मीरी रेड चिली का जो कलर है कितना अच्छा आ रहा है। अब इसमें हम आलू डाल देंगे। आलू को हमें सुनहरा होने तक भूनना है। तो यहाँ पे जो आलू है वो अच्छे फ्राई हो गए हैं। जो कोटिंग है लाल मिर्च की वो अच्छे से इसमें लग गई है। अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगा। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे मैंने 10 ड्राई रेड चिली लिया है, जो इसकी डंडी है इसे हम निकाल देंगे। और इसको निकालने के बाद जो इसके अंदर के जो बीज है वो हम निकाल देंगे। तो ये मैंने रेड चिली के बीज निकाल दिए हैं। अब हम एक बर्तन में गर्म पानी लेंगे और जो रेड चिली उसको डाल देंगे। अब इस गर्म पानी में हम रेड चिली को 20 मिनट के लिए ऐसे ही भीगने देंगे। 20 मिनट हो गए हैं और वो पानी में अच्छे से भीग गए हैं। इसे मैंने एक मिक्सर जार में ले लिया है। इसको हम ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये रेड चिली का मैंने पेस्ट बना लिया है। यहाँ पे मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, इसकी क्वांटिटी आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट में दिख जाएगी। अब मैं ऐसा एक छोटा पैन लूंगा और इसमें मैंने जो स्पाइसेस है वो डाल दिया है। इसे हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पे जो ये स्पाइसेस हैं वो रोस्ट हो गए हैं और इसकी एक बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है। अब यहाँ पे मैं गैस की फ्लेम बंद कर दूंगा। अब हम एक मिक्सर जार लेंगे, इसको हम ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लेंगे। तो ये हमारा पाउडर बनकर रेडी है, इसे मैं अब साइड में रख लूंगा। तो चलते अब हम नेक्स्ट स्टेप पे। अब हम कश्मीरी दम आलू के लिए ग्रेवी रेडी करेंगे। उसके लिए यहाँ पे मैंने एक मिक्सिंग बाउल में 400 ग्राम दही लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून ड्राई रोस्टेड पाउडर। ये जो हमने बनाया था वही पाउडर है। 1/4 टेबल स्पून जिंजर पाउडर यानी कि सोठ। और ये जो हमने रेड चिली का पेस्ट तैयार किया था वो भी डाल देंगे। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने दही को अच्छे से फेंट लिया है, मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है। ध्यान रखिएगा कि आप यहाँ पे दही को अच्छे से फेंटें। यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई लिया है, इसमें हम डालेंगे 3 टेबल स्पून सरसों का तेल। आप नॉर्मल ऑयल भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे चुटकी भर हींग, 1/2 टी स्पून हल्दी एंड 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर। मसालों को मिक्स कर लेंगे। ये जो स्टेप है इसे हमें लो फ्लेम पे करना है। अब इसमें हम दही डालेंगे और साथ ही से चलाते रहेंगे। यहाँ पे जो गैस की फ्लेम है वो लो होना जरूरी है, अदरवाइज जो आपका दही है वो फट सकता है।
इसमें अब मैं नमक डाल दूंगा। अब इसे हम 5 से 7 मिनट के लिए पकाएंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। यहाँ पे जो मसाले हैं वो अच्छे से रेडी हो गए हैं। इसमें हम आलू डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। इसे अब हम कवर कर देंगे। इसे कवर करने के बाद हम 10 मिनट के लिए इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे, यानी कि दम पे पकने देंगे। दम आलू का मतलब वही होता है कि इसे हम लो फ्लेम पे दम पे पकने दें। इसलिए जब कभी भी आप दम आलू बनाएं तो या तो आप मोटी परत वाली कढ़ाई यूज करें, या तो आप नीचे एक तवा रखें और उस तवा के ऊपर आप अपनी कढ़ाई रख सकते हैं। 10 मिनट हो गए हैं। इसमें हम धनिया पत्ती डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे जो हमारे कश्मीरी दम आलू हैं वो बनकर रेडी हैं। मैं गैस की फ्लेम अब बंद कर दूंगा और इसे हम सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारे कश्मीरी दम आलू बनकर रेडी हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।